नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो एंड भक्तो, कहाँ पे हो? अरे यार, मैं भी कुछ भी पूछता रहता हूँ, गटर में ही होगे ना, गटर तो गटर। खैर मेरे को एक बात बताओ साला, तुम लोग भारत में गालियां तो खाते ही थे, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई तहसील नहीं, ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई कॉलोनी नहीं रहेगा जहां पे तुमको गालियां नहीं मिलती होगी। मिलती है, अभी तुम लोग तो इंटरनेशनल बेइज्जती कराने पे लग गए हो। कल तुम्हारे वो फूफा ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया ना मोदी जी की, वो भी कैसा तबीयत से ले लिया, ऐसा कोई नहीं लेता किसी को, वो भी सामने मीडिया के खुल्लम खुल्ला घपा घप लिया है। कुछ इज्जत इज्जत है कि नहीं? अरे अपनी तो नहीं सोचो, कम से कम भारत देश का तो अपमान मत करो। कल को ऐसे भी कोई भी आके धमकी देके चला जाएगा और हम लोग हाथ में पानी लेके, हाथ में झंडा लेके खड़े रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे नमस्ते ट्रंप। मेरे को पूछना था वो नांड भक्तों से, हाउ इज द जोश? अरे बोलो रे, इतना कोई भी तुम्हारी लेके चला जाता है और तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकलता है, उल्टा तुम लोग मोदी जी का जो फटी पड़ी है उसको सिलने के लिए तुम लोग पूरी तरह से पूरी टीम लग जाती है कि किस तरह से हमारे 56 इंच सीने ने अमेरिका सरकार को झुका दिया। कैसा झुका, कौन झुका, किसने किसके लिए, पूरी दुनिया ने देखी, हमने भी देखी, आप भी देखो कैसा लिया है, देखो जरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा भेजने की गुजारिश की थी। यह वो दवा है जो मलेरिया को ट्रीट करने में काम आती है। और अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से दवा भेजने के बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर जबरदस्त दबाव है, जिसके वजह से हो सकता है उन्होंने ये बयान दिया हो। हो सकता है। Are you worried about retaliation to your decision to ban export of medical goods, like Indian Prime Minister Modi's decision to not export hydroxychloroquine to the United States and other countries? I don't like that decision. I didn't hear that that was his decision. I know that he stopped it for other countries. I spoke to him yesterday. We had a very good talk, and we'll see whether or not that's his. I would be surprised if he would, you know, because India does very well with the United States. For many years, they've been taking advantage of the United States on trade. So I would be surprised if that were his decision. He'd have to tell me that. I spoke to him Sunday morning, called him, and I said, we'd appreciate your allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay. But of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be? Wow. Very good. ये है हमारे देश की प्रधानमंत्री की औकात इंटरनेशनल जगह पे। ये वैसा ही है जैसे लॉकडाउन में अगर आप नाके पे खड़े हो, पुलिस वाले आते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं और बोलते हैं वो आदमी को जो नाके पे खड़ा है कि 50 उठक बैठक लगा, नहीं तो तेरे को बम्बू मारूंगा पीछे, और वो बंदा उठक बैठक लगाने लगता है। एक फोन मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी टेक्निकल चीजें। भारत सरकार ने इस दवाई को बैन किया निर्यात करने के लिए कि कोई विदेश में हमें यह दवाई नहीं भेजनी है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है 130 करोड़ है और जनसंख्या के आधार से इसका उत्पादन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इसका निर्यात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें इस दवाई की बहुत जरूरत पड़ने वाली है कोरोना से लड़ते हुए। लेकिन जैसे ही हमारे अंधभक्तों के फूफा का अमेरिका से फोन आया मोदी जी को, और मोदी जी दंडवत हो गए, पैरों में लिपट गए उनके कि आप ही मेरे मालिक हो, तुम जो बोलो वही सही, जीजा जी जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, वो डायलॉग है ना पिक्चर का, उसका सेम सीन चालू था कल पूरे दिन टीवी पे। और इन्होंने बाकायदा भारत के जो नागरिक है उनको मरने के लिए छोड़ दिया है, अभी अमेरिका लोगों की जान बचाएंगे पहले, वो बहुत जरूरी है। भारत में क्या, मरने दो ना, 130 है, बहुत लोग हैं मरने के लिए, क्या फर्क पड़ता है। रातों रात जिस दिन ये घोषणा की गई कि निर्यात नहीं होगा, उसके अगले ही दिन भारत सरकार इसकी तैयारियां चालू कर देती है, सिर्फ एक फोन कॉल, वो भी धमकी से, कॉलर पकड़ के मांगा है कि दे रहा है कि मैं बजाऊ तेरी, देखो जरा कैसे भारत सरकार दंडवत हो गई। है जहां कोरोना की महामारी ज्यादा फैली हुई है, तो ये बयान है विदेश मंत्रालय का, विदेश मंत्री का ये बयान, सुनिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल के निर्यात संबंधी प्रतिबंध में कुछ संशोधन संभव है। बात बताओ ना यार, हर समय बिना आप लाशों पे भी बिजनेस करने लगने,
अरे हमारे देश की जनता मर जाएगी वो चलेगा, लेकिन हमको अमेरिका को बचाना है। अरे कुछ पैसे ही तो फेंकता है ना वो, पैसों के लिए इतने लाचार हो जाओगे, हमेशा व्यापार करते हो। अरे अपने लोगों की जान जान नहीं है क्या? पहले अपना घर बचाओ ना, फिर बाद में दुनिया बचाएंगे, हम लोग है उसके लिए काफी। लेकिन अपने लोग मरेंगे और हम दुनिया की सेवा करेंगे, इसको क्या कहते हैं मोदी जी? खैर मैं समझ सकता हूँ, आप गुजराती आदमी है, व्यापारी आदमी है, अपना फायदा देखेंगे, पब्लिक मरे तो मरे, आपको क्या लेना देना है उससे। दूसरा तरफ ये है कि सब क्या है, सब तरफ इस समय जो माहौल चल रहा है वो हिंदू मुसलमान का बना के रखा हुआ है। तबलीगी जमात, कोरोना, जिहाद। मेरे को एक बात बताओ, मैं कल स्टडी कर रहा था, तबलीगी जमात से भी ज्यादा भयंकर केस भारत के अंदर हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चला। एक आदमी ने 28,000 लोगों को क्वारंटाइन करा दिया, अपने अपने घरों में संक्रमण के दायरे में लाके उनको पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। देखो जरा ये रिपोर्ट, तबलीगी जमात ने तो कुछ 2,000-3,000 लोगों को इन्फेक्ट किया है, इस बंदे ने 28,000 लोगों को संक्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी हमारी जो दलाल मीडिया है ना वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये जो 28,000 लोगों को करने वाला व्यक्ति है ना वो मुसलमान नहीं है, तो मीडिया क्यों दिखाएगी? जरा देखो ये रिपोर्ट आप लोग, 28,000 लोगों को इन्होंने दायरे में ला दिया, पर एक राय अभी तक कायम नहीं कर पाई है। आप सोच रहे होंगे कि 21 दिन लंबे लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा। सरकार के स्तर पर जो खामियां हैं उनका जिक्र बुलेटिन में कई बार हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन आज हम इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि लोगों का असहयोग किस तरह से कोरोना से लड़ाई में किए धरे पर पानी फेर रहा है। पहला उदाहरण मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का, मुरैना मॉडल। क्या है मुरैना मॉडल? मुरैना के महाराजपुर में 17 मार्च को एक 45 साल के व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दुबई से लौटे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छिपाई, यानी दूसरे देश से आए हैं ये जानकारी नहीं दी। 20 मार्च को उनकी मां की तेरही का भोज हुआ। भोज में लगभग 1500 लोग शामिल हुए। एक हफ्ते तक सब ठीक रहा। 31 मार्च तक दुबई से लौटे पति पत्नी में कोरोना के लक्षण दिखने लगे। 31 मार्च को उनका और उनकी पत्नी का कोरोना टेस्ट हुआ। 2 अप्रैल को रिपोर्ट आई, दोनों पॉजिटिव मिले। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके संपर्क में आए 23 लोगों के जब सैंपल लिए गए तो उसमें भी 10 पॉजिटिव मिले। 23 में 10, 13 में कितने लोग आए थे? लगभग 1,500। अब इसमें कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, कितने साइलेंट कैरियर बन गए होंगे, ये लोग कहां कहां गए होंगे, संख्या पहुंचती है 28,000 पर। 28,000 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है मुरैना में। एक आदमी की मूर्खता और कितने लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई। अगर 28,000 लोगों तक इन्होंने आंकड़ा पहुंचा दिया, लेकिन कोरोना जिहाद तो केवल मुसलमान करता है, हिंदू कैसे कर सकता है जो तेरही करने के लिए आया था? उसने तेरही की, 1500 लोगों को खाना खिलाया, उस 1500 लोगों ने 28,000 लोगों को क्वारंटाइन करने पे लगा दिया। ये केवल मुरैना की बात है, सिर्फ एक जिले की बात है, लेकिन मीडिया क्या दिखाएगी? तबलीगी जमात। इस आदमी का डिटेल देना चाहिए, इस आदमी के पीछे मीडिया को रहना चाहिए, इतनी बड़ी बेवकूफी इसने की है, लेकिन मीडिया क्या दिखाएगी? मौलाना साद फरार है। 28,000 लोगों को इन्होंने क्वारंटाइन किया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता तो अभी तक कोरोना जिहाद की वजह से आज इनके जो अंडभक्त हैं रस्तों पे रंडी राना रंडी रोना चालू कर दिए होते। सिर्फ ये मुसलमान नहीं है, इसकी वजह से इसको कोई तवज्जो। 28,000 के 28,000 लोगों को संक्रमित कर दे, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो प्रॉब्लम मुसलमान से है, इस देश की जो सरकार है उसको प्रॉब्लम केवल मुसलमान से है, ऐसे लोगों से नहीं है। इसके लिए मौलाना साद दिन रात टीवी पे चल रहा है। मेरे को एक बात बताओ रे, अगर मौलाना साद इतने ही बड़े अपराधी थे या इतने ही सारी चीजें थी, मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, मैं भी बोलता हूं कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, लेकिन सजा क्यों नहीं दे रहे हैं मौलाना साद को? मौलाना साद इतने बड़े बोलते हैं ना कि उन्होंने कोरोना का फैलाने में सबसे बड़ा उनका हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, तबलीगी जमात के प्रमुख हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर एनएसए के प्रमुख अजीत डोभाल जी उनको गुपचुप क्यों मिलके निकल गए? मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा देखो विनय दुबे गलत जानकारी दे रहा। मैं कभी भी बिना प्रूफ बात नहीं करता हूं। अजीत डोभाल जी क्यों मिलके आए और उसके बाद वो फरार कैसे हो गए, जरा देखना। फरार होने से पहले अजीत डोभाल जी उनसे मिलते हैं। अजीत डोभाल ने 28 मार्च को रात के वक्त जाकर निजामुद्दीन मरकज में मौलाना साद से मुलाकात की थी। तबलीगी जमात से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। एनएसए अजीत डोभाल 28 मार्च को जाकर उन्होंने खुद मुलाकात की थी मौलाना साद से।
मौलाना साद से अजीत डोभाल ने बात की थी बिल्डिंग खाली कराने की। अजीत डोभाल जी मिलके आते हैं, उसके बाद मौलाना साद जी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली पुलिस के अंडर में रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं। दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के अंडर में है। ऐसे ऐसे लोगों के बीच रहते हुए भी एक मौलाना लॉकडाउन पीरियड में, जब ना ट्रेन चल रही है, ना फ्लाइटें उड़ रही है, ना सड़कों पे कोई प्राइवेट गाड़ी, एक चेक हर एक एक किलोमीटर पे पुलिस का चेक नाका है, ऐसे बंदोबस्त में लॉकडाउन पीरियड में एक मौलाना फरार हो जाता है, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है, या तो मौलाना जी बहुत शातिर हैं, या तो ये है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, हमारी जो दिल्ली पुलिस है, हमारा जो गृह मंत्रालय है, हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की कमेटी है, वो इतनी कमजोर है कि एक मौलाना फरार हो गया। क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या है। मीडिया को चाहिए था अपनी नाकामी, भारत सरकार की नाकामी छुपाने के लिए एक बकरा। वो बकरा है तबलीगी जमात, जिसको रोज हलाल किया जाता है। इनकी जो बोटियां हैं ना, वो रोज नोती जाती हैं इन मीडिया के माध्यम से। अभी 28,000 वाला दिखाया ना, कोई भी दलाल मीडिया ने एक वीडियो क्लिप नहीं दिखाई होगी इसकी, लेकिन दिखा क्या रहे हैं, तबलीगी जमात, मौलाना फरार, 2300 लोग, अरे 2300-2500, 5000 छोड़ो, 28,000 लोगों को इसने संक्रमण के दायरे में ला दिया। उसके लिए कोई चिंता नहीं है, हमें चिंता है तबलीगी जमात की। हिंदू मुसलमान करेंगे तभी तो जाके देश में माहौल बनेगा। कोरोना को भी इस्लाम कबूल करवा दिया ये मीडिया वालों ने, उसके बाद सोशल मीडिया पे चलने लगा कि तबलीगी जमात के लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, नर्सों के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। यहाँ तो अभी तो कंपटीशन चालू हो गई मीडिया में कि अच्छा तूने दिखाया अश्लील हरकतें, रुक मैं तेरे से भयंकर TRP वाला न्यूज दिखाता हूं। उन्होंने दिखाया कि भाई तबलीगी जमात के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में बेड के बगल में खुले में शौच कर रहे हैं, संडास कर रहे हैं। मेरे को एक वीडियो आया है, मैं दिखाता हूं जरा, मीडिया का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिएगा। अब जरा तीसरी तस्वीर देखिए, हैदराबाद के गांधी अस्पताल के अंदर लोग बेहद करीब होकर नमाज पढ़ते दिखे। ये सभी लोग कोरोना संदिग्ध होने की वजह से क्वारंटीन किए गए थे। हमारी आपसे अपील है कि अभी वक्त कोरोना से बचने का है, कोरोना को हराने का है, लिहाजा डॉक्टर या सरकार की सलाह माने। हम भी आपका समर्थन करते हैं, आपने बहुत अच्छी चीज कही कि सरकार का सलाह मांगे। लेकिन हमें को एक बात बताओ मीडिया वालों, खास करके दलाल मीडिया, चाटू मीडिया, आपको अस्पताल में नमाज करते हुए वीडियो फोटोज मिल गए, लेकिन आपको एक भी ऐसा वीडियो या फुटेज नहीं मिला जिसमें कि जो मरीज हैं तबलीगी जमात के, वो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। किसी न किसी ने तो बताया वो अपना लिंग बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। कोई वीडियो आई है आप लोगों को तक, कोई फोटोज आए हैं आप लोगों तक? नहीं आए। कोई भी मीडिया ने दिखाया नहीं, उसके कोई विजुअल्स नहीं आए, कोई फोटोज नहीं आई जिसमें कि तबलीगी जमात के लोग ये मिसबिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ में, डॉक्टरों के साथ में। दूसरा, हर अस्पताल में जहां पे क्वारंटाइन है, जहां पे कोविड का मिशन चल रहा है, वहां हर अस्पताल में CCTV कैमरेज हैं। इतनी बंदोबस्त होने के बाद भी आज तक कोई एक प्रूफ नहीं आया, एक वीडियो नहीं आई, एक फोटो नहीं आई कि वो लोग खुले में शौच कर रहे हैं, उसकी कोई क्लिपिंग्स नहीं आई। दूसरा, वो छोड़ दीजिए, अगर ऐसा सब चीज हो रहा है, जिस डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई है, वो डॉक्टर ने अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज कराई है? अगर आपके साथ बदतमीजी हुई है, ये मरीज लोग साले ऐसे गांडू लोग अगर बदतमीजी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ऐसा, अगर सही में कर रहे हैं, तो आपने FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? अरे FIR दर्ज कराओगे कैसे, वीडियो आपको मिलेगा कैसे, फोटोज आएंगी कैसे, जब चीजें हैं ही नहीं। इसी के लिए जी न्यूज, बाकी ABP और बाकी जो चीजें हैं ना, जितनी भी तबलीगी जमात और जो भारत में इस समय हिंदू और मुसलमान की खबरें चला रहे हैं ना, उनके ऊपर महाराष्ट्र शासन ने कार्रवाई करने के, FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और कल धुले में FIR दर्ज हुई है इन मीडिया चैनलों के ऊपर, क्योंकि जो तथ्य वो दिखा रहे हैं वैसी ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई चीजें नहीं है। बहुत सारी UP पुलिस की ट्वीट्स है जिसमें उन्होंने खंडन किया है कि उनके जिलों में तबलीगी जमात की तरफ से पथराव या चीजें हुई हैं। और जहां पे असली पथराव हुआ है इंदौर में, मैं सलाम करता हूं वहां के पुलिस प्रशासन को, उन्होंने रासुका लगवा के उन साले हरामजादों को, जिसने पत्थर मारे हैं ना हमारे डॉक्टरों और पुलिस को, उन हरामजादों को आजीवन जेल में सड़ाओ सालों को। ये बहुत अच्छा काम किया है इंदौर पुलिस ने, जिसने पत्थर और पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं उसका पूरा निषेध है इन सालों को, ना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में आजीवन सड़ाओ बड़वों को सालों को। लेकिन आप सही चीजें दिखाओ मीडिया से, वही निवेदन है। आपको पता है ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं?
ऐसा मीडिया क्यों अचानक से हिंदू मुसलमान कोरोना पे आ गया, तबलीगी जमात पे आ गया, उसका एक कारण है, देखिएगा जरा। ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार गोदी मीडिया ये तबलीगी जमात को लेकर इतना ढिंडोरा आखिरकार क्यों पीट रही है। गोदी मीडिया इस टाइम पे ढिंडोरा इसलिए पीट रही है क्योंकि थोड़े दिन पहले एक खबर चली और बहुत ज्यादा ट्रेंड हुई वो खबर। वो खबर ये थी कि डेली वेज वर्कर जो दिल्ली में काम करते हैं, एनसीआर में काम करते हैं, वो अपना काम छोड़ छोड़ के, अपनी घर को छोड़ छोड़ के, अपनी जगह छोड़ छोड़ के अपने गांव वापस जा रहे हैं। हजारों की भीड़ निकल पड़ी, लाखों लोग निकल पड़े सड़कों पर, भूखे प्यासे सड़कों पर चल चल के अपने घर गए। उसके बाद सरकार ने अनाउंसमेंट करी कि 1000 बसें आनंद विहार पे छोड़ी जाएंगी। वो 1000 बसें नहीं पहुंची, लेकिन वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए। इस चीज से एक पूरा बस बन गया लोगों के सामने, एक ये इमेज बन गई कि यार हमारे देश की सरकार कितनी बड़ी फेलियर साबित हुई है। इनफैक्ट मैंने भी ये बात बोली कि ये जो तस्वीर आनंद विहार की तस्वीर है ये और कुछ नहीं है, ये मजदूर नहीं खड़े, ये सरकार का फेलियर है और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक परसेप्शन बन गया सबके अंदर कि ये सरकार कोरोना वायरस से निपटने में विफल रही है, फेलियर रही है। उसी के बाद तुरंत बाद एक खबर आती है और उस खबर से वो पुरानी खबरें दबा दी जाती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस टाइम पे कोई भी मजदूर ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो? क्या हर मजदूर को राशन मिल रहा है? क्या हर मजदूर को खाना मिल रहा है? क्या हर वो मजदूर जो पैदल चल के अपने घर जा रहा था अपने घर पहुंच चुका है? केमिकल स्प्रे करे जा रहे हैं उनके ऊपर, देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन क्या इन मजदूरों की, जो हजारों मजदूर थे या फिर शायद लाखों भी हो सकते हैं, क्या इन मजदूरों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी? जो हमारे पास इस टाइम पे सारी चीजें छोड़ के एक ही बात करने को है इस टाइम पे, वो है तबलीगी जमात। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि तबलीगी जमात सही थी, वहां पर 3400 लोग इकट्ठे हुए, अच्छा हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी कहां तक सही है कि आप उससे भी ज्यादा लोगों की खबर को दबा दो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका फेलियर है, और ये सिर्फ आपके सामने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी जा रही है इस चीज के थ्रू। ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सरकार कहीं फेलियर नहीं है, असली अगर कोई प्रॉब्लम है तो देश के मुसलमानों के साथ है। और अभी आप वेट करिए, टर्न ऑफ इवेंट्स देखिए, वेट करिए उस दिन का जब आपके सामने यही गोदी मीडिया है, यही गोदी मीडिया आपके सामने पाकिस्तान को भी लेकर आएगी और पाकिस्तान को भी कल्प्रेट बनाएगी कोरोना वायरस का। क्योंकि दोस्तों आपको पता है पिछले कुछ सालों में किस, अभी थोड़ा दिन वेट करिए, अभी मुसलमान हो गया, अभी पाकिस्तान की एंट्री होगी मीडिया चैनलों में कि किस तरह से पाकिस्तान ने कोरोना फैलाने के लिए भारत में लोगों को भेजा, किस तरह से कोरोना जो फैल रहा है भारत में इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अभी देखिएगा ये जो बकचोदी है ना मीडिया की, वो अभी चलेगी दबा के। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर मीडिया को सही में कोरोना की दिक्कत है, कोरोना का फैलने का उनको सही में सदमा लगा है, या वो सही में देश हित की बात करते हैं, तो उससे बड़े बड़े मसले हैं देश में जो नहीं दिखाया जा रहा है। लोग इस समय भुखमरी से आत्महत्या कर रहे हैं, वो नहीं दिखाया जा रहा है। अरे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं क्या पूरी देश की आधी आबादी आपको बोल रहे हैं कि मोदी सरकार फेल है, कोरोना से उनकी लोगों को बचाने की उनकी औकात नहीं है, भारत सरकार की औकात नहीं है। कटोरा लेके भीख मांगा जा रहा है पीएम केयर में, और पुलवामा हमले का जैसा पैसा खा गया हमारा मोदी सरकार, वैसा ही ये पैसा खा जाएंगे, लेकिन एक रुपए का इलाज या एक रुपए की मदद भारतीय जनता को नहीं होगी। ये चाटने के लिए जाएंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप वालों का चाटने के लिए। ये है असलियत हमारी भारत सरकार की। और सबसे बड़ी बात है, जो इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोरोना के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। अमेरिका में 10 लाख लोगों का टेस्ट हुआ जिसमें से 2 लाख लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसमें से हजारों लोग मरे हैं अभी तक। भारत में टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं तो आंकड़ा कहां से बढ़ेगा। महाराष्ट्र में इस समय दबा के टेस्ट हो रहे हैं, सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र शासन सबसे बेस्ट काम कर रही है, जो कोरोना के टेस्ट कराए जा रही है, घर घर जाके टेस्ट हो रहे हैं, इसके लिए इस समय आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यही टेस्ट अगर पूरे भारत में किया जाए ना, तो लाखों की संख्या में कोरोना मरीज इस समय आज के तारीख में भारत में मौजूद हैं। लेकिन जब टेस्ट ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा, और मोदी जी लगेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात, ये सरकार अपने डॉक्टरों तक को नहीं बचा पा रही है, तो आम जनता को क्या बचाएगी। ये जो मैं वीडियो दिखा था, मैंने कल भी दिखाया था, मैं ये वापस दिखा रहा हूं, कैसे एक डॉक्टर इलाज कराते कराते कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद वो घर आता है, अपनी पत्नी को ये कोरोना पॉजिटिव देता है, अपने माता पिता को कोरोना पॉजिटिव देता है, उसके बाद भी इस डॉक्टर को जिसने हजारों जाने बचाई हैं आज तक, उस डॉक्टर को इलाज नहीं मिलता, उसके परिवार को इलाज नहीं मिलता। ये डॉक्टर की हालत है, जरा सुनिएगा। कोई भी आगे नहीं आता।
नहीं बोलो आप स्टेटमेंट दो अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम तीन पॉजिटिव हैं यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा हमारी मदद के लिए। एक अथॉरिटी से एक फोन नहीं आ रहा है, एक एम्बुलेंस बाहर खड़ी है और वो कह रही है तुम यहाँ से आओ और तुम तीनों आगे बैठ जाओ। एक लेडी जिसके लिए हम चार दिन से चिल्ला रहे हैं, कोई ये भी नहीं सोच रहा है कि नीचे वो हार्ट अटैक से मर जाएगी। वो खुद अपने घर से नहीं लेके आई है, उसका बेटा डॉक्टर सिकंदर चिराग जो हॉस्पिटल में है इस वक्त, जो हॉस्पिटल लेटली जिसकी वजह से है एक वहां पे, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो वहां पे है, पापा यहाँ पे बीमार है, मम्मा अंदर पड़ी है, कोई इतना क्यों हमें इंसान तक भी नहीं समझ रहे हैं। आप कितने दिन से यहाँ क्वारंटीन में? हम तीन दिन से है यहाँ पे। आपका तीन दिन से टेस्ट नहीं हुआ? हमारा टेस्ट मॉर्निंग में हुआ था, अभी मेरे हस्बैंड मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनको फोन आया है जो डॉक्टर सिकंदर के कुलीग्स वगैरह थे उनका। ये कोरोना पॉजिटिव आई है अपने डॉक्टर पति की वजह से, जो इलाज करते समय कोरोना पॉजिटिव हो गए। सरकार उनको बचाने में नाकाम है, सरकार जो है उन तक को बचाने में नाकाम है, तो आम जनता का क्या होगा। और अगर यही डॉक्टर अगर सवाल करे सरकार से कि आप पीपीई किट क्यों नहीं दे रहे हैं, मास्क क्यों नहीं दे रहे हैं, बेहतरीन इलाज की व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता, निकाल दिया जाता। जरा देखिए आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये समस्या आ रही है कि आज हम अपने इस महामारी के दौरान में हम अपने स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए मैं किट्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं प्रिंसिपल जी की, हमें किट्स मिले, सैनिटाइजर मिले, ग्लास मिले, उसकी मांग हमारी नहीं पूरी हो रही है। हमें जो है प्रिंसिपल द्वारा जो है हमें आज टर्मिनेट कर दिया गया है, और जो है उसमें जो है सरकार प्रिंसिपल कह रहा है कि योगी जी का आदेश आया है कि इनको निकाल बाहर किया जाए। आप सवाल पूछेंगे आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। कोरोना में लोग मरे तो मरे, लेकिन हम आपसे बोलते हैं ना कि आप सवाल पूछेंगे तो हम आपको निकाल देंगे काम से। ये चीजें चल रही हैं क्योंकि सरकार की जो नाकामी है, सरकार का जो फेलियर है, उसको छुपाने की पूरी तैयारी चल रही है। ये योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जरा इनका बयान सुनिए। 5 दिन पहले का वीडियो है, वो इस समय पीपीई किट के टेंडर निकालने की बातें कर रहे हैं। मतलब इतने दिनों से ये सोए हुए थे, इस समय कोरोना का महामारी इस प्रचंड में है, जो काम इनको 1.5 महीना पहले करना चाहिए वो अब इसके बारे में सोच रहे हैं। शुरुआती कुछ आवाज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। योगी जी हैं, हमारे पास पीपीए नहीं है, अन्य डिमांड बेस करके उसकी आपूर्ति तैयार करवाते हैं। मैं वापस सुनाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कबूल कर रहे हैं कि हमारे पास पीपीए नहीं है, उसकी ऑर्डर्स निकाल के उसकी पूर्ति की जाए। इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग, देखिए नोएडा में उन्होंने एक और गलती वापस सुनिए, नहीं दूसरा ये है कि अन्य डिमांड भेज करके उसकी आपूर्ति तैयार करवा, आपूर्ति तैयार करें सर। इन लोगों की प्रॉपर ये तैयारियां हैं सरकार की, उसकी वजह से हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। और ये हिंदू मुसलमान क्यों ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें छिपानी है ना मोदी जी को, ये सारी चीजें छिपाएंगे तभी तो जाके कहीं इनकी वाहवाही होगी। मीडिया में दिखाया जा रहा है मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोरोना पे बहुत सारे इलाज हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, ये तो साले तबलीगी जमात वाले ही कोरोना फैला रहे हैं। वो 28,000 वाले ने किया वो नहीं दिखेगा, सरकार के पास पीपीई किट्स नहीं है वो नहीं दिखेगा। अरे जो सरकार अपने डॉक्टर अपने स्टाफ को नहीं बचा पा रही है, वो 130 करोड़ जनता को बचाएगी? मतलब ये कहां से आप लोग लेके आते हो? आज आप लोग जिस खतरे में हो आपको अंदाजा भी नहीं है। अमेरिका जैसा देश, जो संपन्न देश है, विश्व में नंबर एक देश है, वहां पे अगर 2 लाख मौत, 2 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, वो देश अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरे देशों को धमकी तक देना चालू करता है, उसके बावजूद विश्व के दूसरे नंबर के सबसे जनसंख्या वाले देश का, जो जिसे हम भारत कहते हैं, 130 करोड़ की आबादी जो है यहाँ पे, उन लोगों की जान हथेली पे रखे, वो मरना ही है इनको। कोरोना से नहीं मरे, भुखमरी से मरेंगे, लेकिन मरना तय है। ऐसी सरकार है, कारण हमारी सरकार है। इनके पास अपने डॉक्टर को बचाने की औकात नहीं है, वो आम जनता को बचाने चले हैं। अभी तक 130 करोड़ की आबादी में केवल 160 लैब टेस्टिंग लैब आईसीएमआर ने चालू किया है, उसके बाद में अभी तक सिर्फ 43,000 टेस्ट हुई हैं। 130 करोड़ की आबादी में जनवरी से लेकर आज मार्च
आज अप्रैल 7-8 तारीख हो गया है। अप्रैल 8 तारीख तक सिर्फ 43,000 टेस्ट हुई है, जिसमें कि 4,800 के ऊपर आंकड़े आए हैं। आप सोचिए 130 करोड़ की आबादी में कितने आंकड़े आएंगे। लाखों मरीज, लाखों कोरोना संक्रमित इस समय केवल भारत में खुला घूम रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं अमेरिका को दवाई मदद पहुंचाने की। अपने घर में आग लगी है, हम बाहर पड़ोसी को बिस्लेरी पानी पिला रहे हैं। ये मोदी सरकार है, ये फेलियर है मोदी सरकार की, और नाकाम सरकार है। मैं इसके लिए बार बार कहता हूं कि भारत में आज तक के इतिहास में सबसे हारा हुआ और सबसे बोलते हैं ना निकम्मी सरकार इस बार मोदी सरकार है। 2014 से जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था टूटी है ना, वो शायद अभी उनको कम से कम 10-20 साल लगेंगे इसको अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। और एक सूचना थी आप लोगों के लिए, जो बस सर्विस के लिए हमने परमिशंस मांगी हैं, सभी राज्यों की सरकारों से बात चल रही है, महाराष्ट्र शासन से बात चल रही है कि परमिशंस हमें दी जाए, भले लॉकडाउन रहे न रहे, लेकिन कम से कम इन मजदूरों को जो महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हुए हैं उनको ले जाने के लिए हमें कृपया 40 बस की व्यवस्थाएं की हमें परमिशन दी जाए बस चलाने की, ताकि हम ये जो मजदूर लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, जो भूखे यहाँ पे हैं, कम से कम उनको अपने गाँव में हम भेज सकें। 11 तारीख तक हमें रुकने का समय दिया गया है, 11 तारीख के बाद 11 तारीख को मैं लाइव आऊँगा और उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो कृपया तब तक संयम रखें, मैसेजेस ना करें, मैं खुद आप लोगों को बताऊँगा। और ये पूरी बस सेवा निःशुल्क है, कोई एक रुपया नहीं लिया जा रहा है किसी मजदूर से, ये हमारी तरफ से लेके जा रहे हैं। इस पे भी अंडभक्त लोगों ने अपना कमेंट चालू कर दिया, उनको ये तक नहीं देखा जा रहा है, एक निःशुल्क सर्विस दी जा रही है। इसमें क्या कमाएगा कोई आदमी, इसमें भी उनका कमीशन बाजा क्या होता है ना, ये बीजेपी वाले और जो खास करके अंडभक्त है ना, ये 40 पैसा पर पोस्ट कमाते हैं, तो उनको लगता है हर बंदा यही करता है। अरे तुम 40 पैसा कमाते हो, तुम्हारा तुम देश बेचने को लिए 40 पैसे में 40 पैसे के ऊपर तुम लोग बिक जाने वाले लोग, तुम लोग समाज सेवा और लोगों की भलाई की बात क्या घंटा करोगे। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया आप शांति बनाए रखें, 11 तारीख तक मैं खुद आपको सूचित करूंगा। दूसरा, जो राशन का वितरण चल रहा है वो लगातार चल रहा है, और कल भी हमने करीबन 200 लोगों तक पहुंचाई है, आज करीबन 30-40 लोगों को आज भी राशन दिया जाएगा, और डेली ये राशन व्यवस्था चल रही है। अगर इस राशन व्यवस्था में अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो आप भी अपना अगर संकल्प है, अगर आपके अंदर कुछ इच्छा शक्ति है, तो आप स्वेच्छा से हमें कुछ आर्थिक मदद भेज सकते हैं। हम उस पैसे को लेकर राशन लेके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे, और बार बार मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें डालता हूं, आप भी देखते होंगे। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो हमारा जो पेटीएम नंबर, हमारा जो गूगल पे नंबर, हमारा जो यूपीआई ट्रांसफर नंबर, जो भीम ऐप है, बाकी ऑनलाइन ट्रांसफर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक ही नंबर है, 9820833213, 9820833213। इस पर आप भेज सकते हैं, आपके भेजा हुआ जो भले जो भी चीज़ें हैं उसे किसी मजबूर, किसी भूखे व्यक्ति के पेट में निवाला जाएगा। और अगर आप करना चाहते हैं सही में, तो ये मत भेजें आप लोग, आप अपने आसपास कम से कम दो व्यक्तियों को भी अगर दो रोटी दे रहे हैं, तो हम समझेंगे कि इस देश में जो मानवता है वो अभी भी जिंदा है। हम लोग आपके माध्यम से पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप भी अपने लोकल स्थानिक स्तर पे ये देखें कि कोई भूखा न सोए, क्योंकि आज इस देश को इंसानियत की ज़रूरत है। सरकार तो देश बेचने पे लगी है, कम से कम हम आपस में एक दूसरे के वजह से जिंदा रह सके इंसानियत को, तो बहुत बड़ी बात होगी। आपसे वापस आऊँगा, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और प्लीज़ मैं निवेदन करता हूँ कि देश के निवासियों से कि अगली बार किसी पड़े हुए इंसान को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बनाइएगा, बस इतना सा निवेदन है, किसी पढ़े हुए इंसान को, पढ़ा लिखा इंसान को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।